So let us look at a few more examples. We have to simplify. There are two problems, -4^5 × -4^-10 and 2^5 / 2^-6. Now, अब ये दो सम सॉल्व करने के लिए वो दो लॉज मैंने लिखे हैं a^m (a^n) = a^m + n and a^m/a^n = a^m - n. ये दो लॉज यूज करके यू हैव टू सॉल्व दीज टू सम्स. यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड दो लॉज इस्तेमाल करके सम सॉल्व कर लीजिए, देन वी विल चेक द सॉल्यूशंस. ओके, नाउ लेट अस लुक एट द सॉल्यूशंस. First, here we use this law, a^m (a^n) = a^m + n. यहाँ पे a की वैल्यू है -4, m की वैल्यू है 5 और n की वैल्यू है -10. सो उस लॉ से -4^5 + -10 यानी कि 5 - 10 मतलब -4^-5. ओके, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कन्वर्ट करने के लिए 1/-4^5. x^m फॉर्म आ गया. यहाँ पे वी नो मल्टीप्लाई x m टाइम्स, तो 1/-4^-4^-4^-4^-4. ओके, इसके बाद दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स, यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ. या फिर फाइनल आंसर 4^4^16 - 4^4^16 - 4. इसके बाद सिंपल मैथमेटिक्स है, आप सॉल्व करके आंसर ला सकते हैं. पॉज द वीडियो, सॉल्व फॉर योरसेल्फ. लेट अस लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 2^5 / -6. ओके, यानी कि (2^-6). वी विल यूज दिस सेकेंड लॉ, दिस वन, a^m/a^n = a^m - n. ओके, सो यहाँ पे ये लॉ इस्तेमाल करके 2^5 -6, तो 5 + 6 हो जाएगा, सो 2^11. दिस विल बी आवर फाइनल सिंप्लीफिकेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर इज एक्सप्रेस 4^-3 एज अ पावर विद बेस 2. मतलब 4^-3 है, हमें इसे 2 बेस की पावर में डिनोट करना है, 2^x, या फिर आप लिख सकते हैं 2^m, राइट. इस फॉर्म में हमें 4^-3 को एक्सप्रेस करना है, राइट. तो यहाँ पे हमें बेस चाहिए 2, हमारे पास बेस है 4, सो 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2, राइट, यानी कि 2^2. 2 × 2 यानी कि 4, राइट, मतलब 2 × 2. सो इसे वी कैन राइट 2^2 - -3. सो यहाँ पे वी यूज दिस लॉ, a^m/n = a^m (n). तो यहाँ पे वी कैन राइट एज 2^2 × -3 यानी कि 2^-6. सो हमने 4^-3 को 2^-6 यानी 2 बेस वाले फॉर्म में लिख दिया. दिस इज आवर फाइनल आंसर. सो इन दीज एग्जांपल्स यहां पे दिया है सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी कि आपको इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म के क्वेश्चन को एक सिंपल a^m फॉर्म में लिखना है, यानी एक बेस नंबर और उसका एक्सपोनेंट. सो लेट अस प्रोसीड.
यहाँ पे 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इस फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। सो 8 विल बी 2 raised to 3, यानी 2 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 1/2 raised to 3 इंटू 3 raised to -3, ओके। 2 raised to 3 को हम ऊपर ले आ सकते हैं, राइट, बाय यूजिंग द लॉ x^(-m) इज इक्वल टू 1/(x^m), राइट। यहाँ से यहाँ जाएंगे, सो दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to -3 इंटू 3 raised to -3। सो नाउ यहाँ पे वी कैन यूज दिस लॉ a^(m) इंटू b^(m) विल बी इक्वल टू ab^(m). सो 2 raised to -3 इंटू 3 raised to -3, यहाँ पे a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 3 एंड m इज -3, सो वी कैन राइट एज 2 into 3 raised to -3, यानी 6 raised to -3 और 1/6 raised to 3, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द नेक्स्ट सम, -3 raised to 4 इंटू 5/3 raised to 4, ओके। पहले -3 raised to 4 को हम वैसे ही रखेंगे एंड जो अदर टर्म है 5/3 raised to 4 उसे हम इस लॉ से एक्सपांड करेंगे, a^(m/b^(m) विल बी इक्वल टू a/b^(m), ओके। सो यहाँ पे आएगा 5^(4)/3^4, ओके। -3^4 जो है उसे हम एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, -1 into 3 raised to 4, राइट, जस्ट लाइक a^(m)/b^(m) विल बी इक्वल टू ab^(m). ये लॉ अब एप्लीकेबल होगा अभी यहाँ पे -1 into 3 raised to 4, यहाँ पे a है -1, b है 3 और m है 4, सो अब इसे एक्सपांड करेंगे तो -1 raised to 4 into 3 raised to 4 into 5 raised to 4/3 raised to 4, ओके। ये 3 raised to 4 और ये 3 raised to 4 विल बी कैंसल्ड, राइट। -1 raised to 4 यानी -1 multiplied 4 times, सो -1 into -1 into -1 into -1 -1 into -1 विल बी 1, -1 into -1 विल बी 1, तो फाइनल आंसर विल बी 1। सो इसकी वैल्यू आएगी 1 into 5 raised to 4, सो फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म हियर विल बी 5 raised to 4। नाउ लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन, फाइंड m सो दैट -3 raised to m+n इंटू -3 raised to 5 विल बी इक्वल टू -3 raised to 7, ओके। इस क्वेश्चन में वी हैव टू यूज दिस लॉ, a^(m)/a^(n) विल बी इक्वल टू a^(m+n). यू कैन नाउ पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन और बाद में आप आंसर चेक कर सकते हैं, राइट। नाउ लेट अस प्रोसीड, यूजिंग दैट लॉ वी कैन से -3^(m+1)/5 will be equal to -3^7. Using the equality, we can say that m plus 1 plus 5
will be equal to 7, right? क्योंकि बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स भी सेम होना चाहिए फॉर इक्वेलिटी, तभी जाके लेफ्ट हैंड की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू द राइट हैंड वैल्यू, राइट? सो वी कैन सी दैट m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 7, राइट? सो नाउ लेट अस फाइंड m, m प्लस 6 इक्वल टू 7, 6 वो साइड जाएगा तो m इक्वल टू 7 माइनस 6, तो m की वैल्यू विल बी 1, ओके? हमने पहले a रेस टू m इंटू a रेस टू n इक्वल टू a रेस टू m प्लस n का लॉ इस्तेमाल किया, हमने इन दो टर्म्स को क्लब कर लिया, सो माइनस 3 रेस टू m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू माइनस 3 रेस टू 7, ये वैल्यू हमें मिली। सो ड्यू टू द इक्वल साइन वी कैन से कि लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड्स वैल्यू। यहाँ पे दोनों बेस वैल्यू सेम है माइनस 3, सो एक्सपोनेंट्स वैल्यू विल ऑल्सो बी सेम, सो m प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू 7, सो m की वैल्यू हमें मिली फाइनल 1। इन दीज प्रॉब्लम्स वी हैव टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन इन टू फाइनल फॉर्म, राइट? सो लेट अस लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, 1 बाई 3 रेस टू माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 रेस टू माइनस 3 डिवाइड बाई 1 बाई 4 रेस टू माइनस 2, ओके? फर्स्ट यहाँ पे वी कैन यूज दिस लॉ, a raised to minus m will be equal to 1 by a raised to m, right? यहाँ पे a की जगह पे है 1 by 3 और यहाँ पे a की जगह पे है 1 by 2, so law इस्तेमाल करके we can say this as 3 raised to 2 minus 2 raised to 3। कैसे? a है 1 बाई 3 यहां पे फर्स्ट केस में, तो 1 बाई 3 रेस टू माइनस 2 को इस फॉर्म में लिखने के लिए 1 अपॉन 1 बाई 3 रेस टू 2, 1 अपॉन 1 बाई 3 यानी 3 रेस टू 2, राइट? 3 ऊपर जाएगा। सेम वे यहां पे 1 अपॉन 1 बाई 2 रेस टू माइनस 3 बनेगा 1 अपॉन 1 बाई 2 रेस टू 3 और ऊपर जाके 2 रेस टू 3, राइट? ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 1 बाई 4 रेस टू माइनस 2। सो अब यहाँ पे 3 स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 9, एंड 2 क्यूब की वैल्यू होगी 8, सो वैल्यू हम लिख देंगे 9 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 1 बाई 4 टू माइनस 2, ओके? 9 माइनस 8 होगा 1, सो 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 4 रेस टू माइनस 2 और 4 रेस टू माइनस 2, राइट? 4 रेस टू माइनस 2 की वैल्यू होगी 1 बाय 4 रेस टू 2 और 1 बाय 16। दिस इज द फाइनल सिंप्लीफाइड वैल्यू। पहले हमने a रेस टू माइनस m इक्वल टू 1 बाई a रेस टू m का इस्तेमाल करके 1 बाई 3 रेस टू माइनस 2 को लिखा 3 रेस टू 2 और 1 बाई 2 रेस टू माइनस 3 को लिखा 2 रेस टू 3। 3 स्क्वायर इज 9, 2 क्यूब इज 8, 9 माइनस 1 आएगा, 9 माइनस 8 आएगा 1, सो 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 4 रेस टू माइनस 2, उसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 4 रेस टू माइनस 2। फिर से यही लॉ इस्तेमाल करके वी राइट 4 रेस टू माइनस 2 एज 1 बाई 4 रेस टू 2 विच इज 1 बाई 16। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 बाई 8 रेस टू माइनस 7 इंटू 8 बाई 5 रेस टू माइनस 5। हम 5 by 8 raise to minus 7 को अगर 8 by 5 raise to something के फॉर्म में अगर लिखे तो कैंसलेशन हो सकता है, राइट? सो हम यहाँ पे भी a raise to minus m equal to 1 by a raise to m इस लॉ को इस्तेमाल करेंगे और वी कैन राइट 5 by 8 raise to minus 7 as
8 by 5 raised to 7 into 8 by 5 raised to minus 5. अब ये कैसे देखते हैं, इसको अगर हम expand करें, we can write as 5 raised to minus 7 upon 8 raised to minus 7, right? अब ये लॉ इस्तेमाल कीजिए, 1 by 5 raised to 7 into 8 raised to 7, तो आएगा 8 raised to 7 upon 5 raised to 7, that is 8 by 5 raised to 7, right? अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, a raised to m into a raised to n will be equal to a raised to m plus n. यहाँ पे a की वैल्यू है 8 by 5, m है 7 और n है minus 5. Let us see, 8 upon 5 raised to 7 plus of minus 5. Okay, मतलब 7 minus 5. 7 minus 5 क्या होता है? 2. So, 8 upon 5 raised to 2. This is the final answer. Basically, simplify का कोई भी question आए, so हमें सिर्फ हमारे properties इस्तेमाल करने हैं, जो भी है, और this a raised to minus m will be equal to 1 by a raised to m. That's it. So, let us look at these questions. It says simplify and express in positive exponent. That means we have to simplify the given question and write it in the form of a raised to m. But here the m value should always be positive because they have given simplify and express in positive exponent. Right. So let us do that. First question, minus 3 raised to 4 into 5 by 3 raised to 4. Okay. So, minus 3 raised to 4 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, minus 1 into 3 raised to 4 into 5 by 3 raised to 4. ये हमने कैसे किया? Using this property. Actually, reverse of that property इस्तेमाल करनी है. A raised to m into b raised to m will be equal to a into b raised to m. ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. माइनस थ्री को पहले माइनस वन इंटू थ्री लिखा, राइट, थ्री इंटू माइनस वन इज माइनस थ्री. अब ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके a raised to m into b raised to m will be equal to a into b raised to m. ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसे एक्सपांड करना है. ओके, हमारे पास ये वैल्यू है, राइट, दिस वैल्यू, वी वॉन्ट दिस वैल्यू, सो माइनस वन रेस टू फोर इंटू थ्री रेस टू फोर इंटू फाइव बाय थ्री रेस टू फोर. ओके, सो माइनस वन रेस टू फोर की वैल्यू क्या है? वन, राइट. माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन होगा वन, माइनस वन इंटू माइनस वन, ये भी वन, वन इंटू वन वन. सो माइनस वन रेस टू फोर की वैल्यू है वन इंटू थ्री रेस टू फोर इंटू, यहाँ पे और एक प्रॉपर्टी फाइव रेस टू फोर अपॉन थ्री रेस टू फोर. कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की यहाँ पे? ए बाय बी रेस टू एम विल बी इक्वल टू ए रेस टू एम अपॉन बी रेस टू एम, राइट. सो यहाँ पे वी कैन कैंसिल 3 raised to 4 and 3 raised to 4, right? So final answer here will be 5 raised to 4. Simplified answer. यहाँ पे let us check कि हमें जो चाहिए था वो मिला कि नहीं. Simplify and express in positive exponent. Simplified है, okay? Exponent positive है, yes. Exponent is 4. So this is our answer. Okay? Now let us look at the next sum. 3 raised to minus 7 divided by 3 raised to minus 10, the whole bracket into 3 raised to minus 5. So, यहाँ पे let us solve. 3 raised to minus 7 divided by 3 raised to minus 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 raised to minus 10, right, into 3 raised to minus 5. So, यहाँ पे एक property इस्तेमाल करेंगे, a raised to m
अपॉन ए रेस टू एन इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन, राइट। सो ए है यहाँ पे 3, एम है माइनस 7 और एन है माइनस 10। सो 3 रेस टू माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 10 इंटू 3 रेस टू माइनस 5। माइनस 7 माइनस ऑफ माइनस 10 क्या होगा, माइनस 7 प्लस 10। सो माइनस 7 प्लस 10 क्या आएगा, 3, राइट। सो 3 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू माइनस 5। अगेन हियर और एक प्रॉपर्टी, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन विल बी इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन, राइट। ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन विल बी इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन। सेम ईयर 3 रेस टू 3 प्लस माइनस 5। सो 3 माइनस 5 की वैल्यू है माइनस 2, 3 रेस टू माइनस 2। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। नाउ लेट अस चेक, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, राइट। ए रेस टू एम फॉर्म है, एक्सप्रेस इन पॉजिटिव एक्सपोनेंट, बट क्या इसका एक्सपोनेंट पॉजिटिव है? नहीं, एक्सपोनेंट है माइनस 2, वी नीड अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो ए रेस टू माइनस एक्स को पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास प्रॉपर्टी है, ए रेस टू माइनस एम विल बी इक्वल टू 1 बाय ए रेस टू एम, राइट। वो प्रॉपर्टी यहाँ इस्तेमाल करेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल आंसर इज 1 बाय 3 रेस टू 2। सो नाउ इज दिस सिंप्लीफाइड? यस। इज द एक्सपोनेंट पॉजिटिव? एक्सपोनेंट इज 2, इज इट पॉजिटिव? यस इट इज। So, this is our final answer. Now, next questions we have to do is simplify, right? मतलब इस question को final simple form में लेके आना है, a raise to m या फिर 1 by a raise to m, final simple form में। तो ये question देखेंगे, okay? 25 into t raise to minus 4 अपॉन 5 रेस टू माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी रेस टू माइनस 8। यहाँ पे स्पेसिफाई किया है उन्होंने t इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर t 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, राइट, न्यूमिनेटर में भी 0 आ जाएगा, तो 0 बाय 0 इनडेफिनेट फॉर्म हो जाएगा, 0 बाय 0 अनडिफाइंड, ओके। तो लेट अस सॉल्व, 25 को वी कैन राइट एज 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5, 5 5 इज 25, सो लेट अस राइट दैट 5 स्क्वायर इंटू टी रेस टू माइनस 4 अपॉन 5 रेस टू माइनस 3 इंटू 10 इंटू टी रेस टू माइनस 8, ओके। सो अब टर्म्स, सिमिलर टर्म्स को क्लब करते हैं, ऊपर 5 नीचे 5, ऊपर t है नीचे और एक t है, लेट अस क्लब देम टुगेदर, 5 रेस टू 2 अपॉन 5 रेस टू माइनस 3 इंटू टी रेस टू माइनस 4 अपॉन टी रेस टू माइनस 8 इंटू 1 बाय 10, ओके। अब यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, a रेस टू m अपॉन ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन, राइट। लेट अस यूज दैट, यहाँ पे आएगा 5 रेस टू 2 माइनस ऑफ माइनस 3 इंटू टी रेस टू माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 8 इंटू 1 बाय 10, ओके। 2 माइनस ऑफ माइनस 3 यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इज 5, 4 माइनस 4 माइनस ऑफ माइनस 8 यानी माइनस 4 प्लस 8, माइनस 4 प्लस 8 इज 4, राइट। लेट अस राइट दैट 5 रेस टू 5 इंटू टी रेस टू 4 इंटू, हम 10 को 10 रेस टू माइनस 1 लिख सकते हैं, 1 बाय 10 को, राइट, 10 रेस टू माइनस 1, 10 रेस टू माइनस 1। इसके बाद सिंपल मैथ्स है,
आप सिंपलीफाई करके टर्म्स को क्लब करके पॉज कीजिए, वीडियो फाइनल आंसर तक लेके आइए, फिर आप मेरा आंसर चेक कर सकते हैं. ओके, तो लेट अस सी हियर नाउ. 5 raised to 5 इंटू t raised to 4 इंटू 10 raised to -1, राइट. ओके, सो 10 raised to -1 को हम एक्चुअली 1/10 ही रहने देते हैं, बट 10 कैन बी रिटन एज 5 into 2, राइट. सो 5 into 2, 5 raised to 5 इंटू t raised to 4 इंटू 1/5 into 2. ओके, 5 टाइम्स, राइट, और डिवाइड बाय 5, तो 5 into 5 into 5 into 5 into 5 अपॉन 5 into 2 इंटू t raised to 4. यहाँ पे 5 है, 5 टाइम्स अपॉन 5, एक 5 कट होगा, राइट. सो 5 raised to 4 इंटू t raised to 4 अपॉन 2. सो इसका फाइनल आंसर मैं इस तरफ लिखता हूँ, फाइनल आंसर विल बी 5 into 5 into 5 into 5 अपॉन 2 इंटू t raised to 4, दैट इज 5 raised to 4 अपॉन 2 इंटू t raised to 4. वी कैन ऑल्सो राइट 5 raised to 4 को अगर नॉर्मल नंबर्स में लिखा जाए तो ये भी आंसर हो सकता है, 625 अपॉन 2 t raised to 4. दिस इज आवर फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर. पहले हमने सिमिलर टर्म्स को क्लब किया, उसके लिए पहले हमने 25 को 5 के फॉर्म में लिखा, राइट. सो 5 को एक साथ क्लब किया, t को एक साथ क्लब किया, फाइनल दो वैल्यूज मिले, 5 raised to 5 इंटू t raised to 4 इंटू 1/10. 1/10 को 2 into 5 लिख दिया हमने, सो यू कैन कट 1/5, राइट. तो 5 raised to 5 इंटू t raised to 4 अपॉन 2 into 5 आया यहाँ पे, राइट, 5 into 2. तो हमने एक 5 कट कर दिया यहाँ से, सो बचा 5 raised to 4 इंटू t raised to 4 अपॉन 2. सो यहाँ पे 5 raised to 4 की वैल्यू है 625, तो फाइनल आंसर विल बी 625 t raised to 4 अपॉन 2. सो लेट अस मूव ऑन टू अदर प्रॉब्लम्स. नाउ लेट अस लुक एट अनदर प्रॉब्लम ऑफ सिंप्लीफिकेशन. 3 raised to -5 इंटू 10 raised to -5 इंटू 125 अपॉन 5 raised to -7 इंटू 6 raised to -5. ओके, सो पहले फर्स्ट स्टेप वी डू इज 125 को हम 5 के फॉर्म में ला सकते हैं, राइट. 3 raised to -5 into 10 raised to -7 6 raised to -5. Five cube, right? We can write 125 as 5 cube, right? 5 into 5 into 5 25 into 5 125, right? So 125 को हमने 5 cube लिखा. So basically हमें terms club करने हैं, similar terms. So similar terms के लिए हमें कौन से चाहिए. सो हम 3 को क्लब कर सकते हैं, 5 को कर सकते हैं, पर यहाँ पे 10 है और 6 है, सो वी कैन राइट 10 एज 2 इंटू 5 एंड 6 एज 2 इंटू 3. लेट अस सी, 3 raised to -5 इंटू 2 into 5 raised to -5 इंटू 5 raised to 3 अपॉन 5 raised to -7 इंटू 2 into 3 raised to -5, राइट. तो अभी फिर से यहाँ पे वी कैन यूज दैट लॉ, रिमेम्बर, a raised to m इंटू b raised to m विल बी इक्वल टू ab raised to m. रिवर्स ऑफ दिस लॉ, एक्चुअली इस लॉ का रिवर्स. सो वी एक्सपांड 3 raised to -5
into 2 raised to minus 5 into 5 raised to minus 5 into 5 raised to 3 upon 5 raised to minus 7 into 2 raised to minus 5 into 3 raised to minus 5. Okay. तो यहाँ पे 3 raise to minus 5 और 3 raise to minus 5 cancel होगा, 2 raise to minus 5 और 2 raise to minus 5 भी cancel होगा, तो बचेगा क्या, 5 raise to minus 5 into 5 raise to 3 upon 5 raise to minus 7. So अब यहाँ पे we use two laws, right? Which are those? A raised to m into a raised to n will be equal to a raised to m plus n. And the second one is a raised to m upon a raised to n will be equal to a raised to m minus n. Right? पहले first law इस्तेमाल करते हैं. Raise to m into a raise to n will be equal to a raise to m plus n. यहाँ पे a है 5, m है minus 5 और n है 3. Let us do that. 5 raise to minus 5 plus 3 upon 5 raise to minus 7. So 5 raise to minus 2 upon 5 raise to minus 7. अब यहाँ पे we can use the second law. A raised to m upon a raised to n equal to a raised to m minus n, right? यहाँ पे a की value है 5, m is minus 2 and n is minus 7. So this will be equal to 5 raised to minus 2 minus of minus 7. That is 5 raised to 2 minus 2 plus 7, right? Minus 2 plus 7. So final answer will be 5 raised to 5. This will be our final answer. Now, let us look at these questions. We have to find the value of these two terms, question number 1 and question number 2. First question is 3 raised to 0 plus 4 raised to minus 1 the whole into 2 raised to 2, right? So we know anything raised to 0, like a raised to 0 equal to 1, right? Anything raised to 0 is always equal to 1. I told you a few moments ago. So 3 raised to 0 will be 1, right? Plus 4 raised to minus 1 can be written like a raised to minus m will be equal to 1 by a raised to m. So 1 upon 4, right? Into 2 square. 2 square की वैल्यू है 4, राइट, 2 इंटू 2, सो 4. अभी डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके भी मल्टीप्लाई 4 इनसाइड, राइट, सो 4 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 बाय 4, 4 इंटू 1 की वैल्यू है 4 एंड 4 इंटू 1 बाय 4 में 4 4 कट होगा तो बचेगा 1, तो 4 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 5. ओके, यहाँ पे पहले वी फाउंड दैट 3 रेज टू 0 is 1, क्योंकि anything raised to 0 की value is always 1, तो 1 plus 4 raised to minus 1 को हमने 1 by 4 लिखा, कैसे, a raised to minus m is equal to 1 by a raised to m, right, so 1 plus 1 by 4 into 4, तो 4 को हमने अंदर multiply किया using distributivity property, यानी distributivity property आपको पता होनी चाहिए, वो है a into b plus c will be equal to a into b plus a into c, right? So 4 into 1 plus 4 into 1 by 4, that is 1, so 4 plus 1 will be equal to 5. Next question ki taraf jayenge, yahan pe bhi same, pehle ye property istemal karenge, right? According to this property, a raised to minus m equal to 1 by a raised to m, we can write 1 by 2 raised to minus 1 as 1 by 2 and 4 raised to minus 1 as 1 by 4.
राइट, द होल डिवाइड बाय 2 raised to -2, 1/2 × 1/4 की वैल्यू क्या आएगी, 1/8, राइट। सो 1/8 डिवाइडेड बाय 2 raised to -2। फिर से ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके हम 2 raised to -2 को लिख सकते हैं 1/2 raised to 2। सो दिस बिकम्स 1/8/1/2 raised to 2, राइट। 2 raised to 2 की वैल्यू है 4, सो 1/8/1/4, 8 नीचे आएगा 4 ऊपर जाएगा, सो 1/8 × 4/1, कैंसलेशन होगा यहाँ पे, 4 2 8, सो फाइनल वैल्यू विल बी 1/2। यहाँ पे भी पहले a^-m = 1/a^m, ये लॉ इस्तेमाल करके वी कन्वर्टेड 2 raised to -1 and 4 raised to -1 into 1/2 and 1/4 रिस्पेक्टिवली, बाद में डिवाइड बाय 2 raised to -2, सेम लॉ इस्तेमाल करके वी कन्वर्टेड 2 raised to -2 to 1/2 raised to 2, फिर टर्म्स को एडजस्ट करके हमें मिला 1/8 × 4/1, वहाँ पे कैंसिलेशन हुआ, 4 2 8, सो फाइनल आंसर विल बी हाफ। नाउ लेट अस लुक एट सम मोर क्वेश्चंस टू फाइंड द वैल्यूज। फर्स्ट वन इज 3 raised to -1 + 4 raised to -1 + 5 raised to -1 raised to 0, राइट। यहाँ पे यू नो द प्रॉपर्टी विच यू हैव टू यूज, a^-m विल बी इक्वल टू 1/a^m। तो यहाँ पे 1/3 + 1/4 + 1/5 raised to 0। नाउ अंडरस्टैंड दिस, 1/3 + 1/4 + 1/5 हमें एक वैल्यू मिलेगी, राइट, एक कोई भी नंबर मिलेगा, बट दैट नंबर इज रेस्ट टू द पावर 0, राइट। वी नो एनी नंबर ए रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू विल ऑलवेज बी 1, राइट। सो दिस नंबर एडिशन ऑफ 1/3 + 1/4 + 1/5 रेस्ट टू द पावर 0 की वैल्यू होगी 1, दैट्स इट, दिस इज आवर आंसर, राइट। लेट्स लुक आउट फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम, -2/3 raised to -2, द होल रेस्ट टू 2, राइट। वी नो दिस प्रॉपर्टी, a^m द होल रेस्ट टू n इज इक्वल टू a^m (n). ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके और नेक्स्ट स्टेप विल बी -2/3 raised to -2 × 2, दैट इज -2/3 raised to -4। नाउ अगेन वी यूज दिस प्रॉपर्टी, a^m इज इक्वल टू 1/a^m, सो वी विल गेट 3/-2 raised to 4 और -3/2 raised to 4। -3/2 raised to 4 है, राइट, तो -3 को हम -1 × 3 लिख सकते हैं, राइट, raised to 4/2 raised to 4, राइट। यहाँ पे हमने पहले -3 को -1/3 लिखा और ये प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल की, a^m / b^m विल बी इक्वल टू a/b^m, राइट। सो -1/4, ये देखिए -1/4 × 3/4/2/4, यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल की, a^m × b^m will be equal to a^b^m, okay? So यहाँ पे हमें -1/4 की वैल्यू पता है, that is 1. So here will be 3/4/2/4. So 3 × 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2 × 2, that is 3 3s are 9, 9 9s are 81 upon
So 4, 4, 4 is 16. So our final answer here will be 81 upon 16. This will be our final answer. पहले हमने इस सम में a raised to m upon b raised to m equal to a by b raised to m ये लॉ इस्तेमाल किया, फिर सेकेंड लॉ, these three laws we have used. First law, second law, and this will be the third law we have been using in this question. Final simplified answer is 81 by 16.